नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की महत्ता के बारे में। जो इनका जाप करता है वाकई में उनको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है। इसी संदर्भ में पूजा मैडम ने एक कहानी सुनाई हमें, ज़रा एक बार आप भी सुनिए संक्षिप्त में। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। राम जी ने सीता जी को कहा कि एक बार, राम जी कहते हैं कि हनुमान जी नहीं होते तो हम किसी भी हालत में युद्ध नहीं जीत सकते थे। तो सीता जी ने कहा कैसे, कोई प्रसंग सुनाओ। जब रावण के सभी साथी मारे गए तो रावण एक हवन करवा रहा था जिससे उसकी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती और वे हावी हो जाता हम पर। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर उस यज्ञ में के बीच में चले गए। ब्राह्मण को यज्ञ करते देख रहे हनुमान जी ने उनकी सेवा करते सामग्री दी, घी दिया, कभी कुछ जो उन्हें ब्राह्मणों को चाहिए होता था उनकी ज़रूरत से पहले ही दे जाते। ब्राह्मणों को लगता है कमाल है, ये आदमी है या देवता, महादेव का अवतार लगता है, इसको पता कैसे चल जाता है कि जो चीज़ चाहिए पहले ही दे जाता है। सभी ब्राह्मणों ने कहा कि हनुमान जी तुम कुछ मांगो, हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुए। हनुमान जी ने कहा आपकी सेवा मिल गई, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, बस सेवा मत छीनिए, मुझे सेवा करनी है। और खुश हो गए ब्राह्मण। जब यज्ञ की पूर्ण होती थी तभी ब्राह्मणों ने कहा जब तक हनुमान जी आप कुछ मांगेंगे नहीं तब तक हम पूर्ण आहूति नहीं डालेंगे, पहले तो कुछ मांगो, इतनी सेवा की है, मांगो। हनुमान मतलब उस ब्राह्मणों का रूप धारण किया होता, मांगो। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने सोचा अब अच्छा मौका है, मांग लेता हूँ। हनुमान जी ने कहा बस एक काम कीजिए भूदेव, जो आप मंत्र पढ़ने जा रहे हैं। अब ब्राह्मणों को लगा कि इसको यह भी पता चल गया कि हम कौन सा मंत्र पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण करने के लिए, तो बस आप उसका अक्षर बदल दीजिए। तो ये मंत्र इस प्रकार है, जय त्वं देवि चामुण्डे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सरुगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। अथर्वकला स्तोत्रम का ये दूसरा मंत्र है जिसमें हारिणी मीन हरने वाला होता है। तो हनुमान जी ने कहा इस हारिणी की जगह कारिणी लगा दो, तो इस तरह मंत्र क्या हो जाएगा, जय त्वं देवि चामुण्डे, जय भूतार्तिकारिणी, जय सरुगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इस तरह से बस जो उसका रावण का करनी का था वो सारा करनी का फल उसको मिल गया। ऐसे हनुमान जी ने हमारी मदद की और हम युद्ध जीत गए।